अब मैं सारे ब्रह्मांड में प्रलय मचा दूंगा। सारा संसार देखेगा रावण की शक्ति को, सारा संसार रावण की शक्ति से कांप उठेगा। यक्षराज, 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 यक्षराज कुबेर की जय हो। महाराज अनर्थ हो गया, लंका को रावण और सुमारी के नेतृत्व में राक्षसों ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब वो राज दरबार की ओर चले आ रहे हैं। महाराज कुबेर, अब लंका पर यक्षराज कुबेर का नहीं दक्षिण रावण का राज्य होगा। आओ भ्राता रावण, लंका में तुम्हारा स्वागत है। केवल स्वागत कह देने से दशन रावण तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस सिंहासन से नीचे चले जाओ। इस सिंहासन पर हमारे दोहित्र दशन रावण का अधिकार है। राक्षस नायक सुमाली, आप मेरे छोटे भाई रावण के नाना होने के नाते मेरे मातामह के समान हैं। मैं आपका आदर करता हूं, परंतु आपके मुंह से अनुचित बात शोभा नहीं देती। कैसी अनुचित बात कुबेर, ये उचित ही कह रहे हैं। मेरे नाना सुमाली ने स्वर्ण नगरी लंका का निर्माण करवाया था, इसलिए लंका राक्षसों की ही है और रहेगी। तुम यक्षों ने इस पर अनुचित रीति से अधिकार कर लिया है। अब तुम यहां से निकल जाओ। अब लंका पर हम राक्षसों का अधिपत्य होगा। जब लंका पर मैंने अधिकार किया था, लंका सुनी पड़ी थी। तुम्हारे नाना और उनके साथी यहां से भाग खड़े हुए थे। तब भाग चुके थे, परंतु अब लौट आए हैं। कुबेर, तू रावण की शक्ति को नहीं पहचानता कुबेर, इसीलिए ऐसी निरर्थक बातें कर रहा है तू। कुबेर, इन धमकियों से नहीं डरता। तुम्हारे भावों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे संघर्ष करना चाहते हो। मैं नहीं चाहता कि यक्षों और राक्षसों के युद्ध में लंका का सागर रक्त से लाल हो जाए। रावण, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुमसे संघर्ष नहीं करना चाहता। मैं तो केवल एक बड़े भाई का कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। जो तुम चाहते हो वही होगा। मैं स्वेच्छा से लंका का राज तुम्हें सौंपता हूं। बधाई हो। लंकापति दशान रावण की, 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 लंकापति दशान रावण की। रावण, अब तुम इस सिंहासन पर चुपचाप नहीं बैठोगे। अपनी विजय का डंका बजाते हुए तीन लोक पर अधिकार करोगे। जो भी तुम्हारे विरुद्ध सर उठाएगा उसे कुचल डालो। ऐसा ही होगा पूज्य नाना श्री। अब तीनों लोकों में रावण की जय जयकार गूंजेगी। दशानन रावण की, लंकापति दशानन रावण की, लंकापति दशानन रावण की, लंकापति दशानन रावण की।